गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं 4th अक्टूबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन को। पहला क्वेश्चन है, 2023 में भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है तीन लोगों को। कौन कौन है वो? एक है पियरे एगोस्टिनी, दूसरे हैं फ्रैंक क्रॉस्ज और तीसरे हैं एनी एल हुलियर। तो इन तीन लोगों को मिला है। क्यों मिला है? तो यह पुरस्कार एक्सपेरिमेंट मेथड्स के लिए दिया गया है जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, पल्स जनरेट करते हैं। अब बात आती है कि एटोसेकेंड क्या होता है। तो एन एटोसेकेंड इज द बिलियंथ पार्ट ऑफ ए बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड। एक सेकेंड के बिलियंथ पार्ट के बिलियंथ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एटोसेकेंड। अब बात करेंगे कि भारत में पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था। तो ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किसके लिए मिला था? तो इनकी कृति है गीतांजलि श्री के लिए इनको मिला था। का ईयर पूछे तो 1913 में मिला था। किस फील्ड में मिला था? तो साहित्य यानी लिटरेचर के फील्ड में मिला था। इसको भी ध्यान रखें। और अगर अगला नोबेल प्राइज जब मिलेगा तो मैं उसके साथ में आप लोग को अभी तक जितने भी भारत में नोबेल प्राइज मिल चुके हैं उन सबको रिवाइज करवाऊँगा। अब नोबेल प्राइज की हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1901 में हुई। यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान होता है जो कि 6 फील्ड में दिया जाता है। किस किस में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। यह पहले केवल 5 फील्ड में ही दिया जाता था, इकोनॉमिक्स इसमें शामिल नहीं था। ये कब शामिल हुआ? तो 1968 में इसको शामिल किया गया और 1969 में पहला नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला। शांति का जो पुरस्कार होता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी जितने भी होती हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। इसमें पुरस्कार के तौर पे क्या मिलता है? तो 8 करोड़ रुपए लगभग दिए जाते हैं। तो ये सब कुछ स्टैटिक पॉइंट हो गए नोबेल प्राइज़ के बारे में, इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। 19वें एशियाई गेम में भारत के तजिंदर पाल सिंह ने शॉट पुट इवेंट में कौन सा पदक जीत लिया है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ये आपके सामने है तजिंदर पाल जी, जो कि इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। बात करेंगे एशियन गेम में पहला जो भारत का मेडल आया था, गोल्ड मेडल, पहला गोल्ड मेडल वो किस चीज़ में आया था? तो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में आया था। ये तीन लोगों ने मिलकर जीता था। उनका नाम आपको नहीं भूलना है क्योंकि पहला गोल्ड था। मैं नाम लिखवा रहा हूँ आप लोग को। तो उनके नाम हैं दिव्यांश पवार, रुद्रांश पाटिल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह। ये तीन नाम आपको नहीं भूलने हैं। दूसरा गोल्ड भारत किसने लाया था? तो महिला फीमेल जो हमारी T20 वाली टीम है, क्रिकेट वाली, उसने लेके आया था। क्या लाया था? गोल्ड मेडल। तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में सरकार ने सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और लॉटरी पर कितने परसेंट GST लगा दिया है? तो 28% फुल GST लगा दिया गया है इन पर। हम लोग थोड़ा GST के बारे में डिटेल में देखेंगे। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर पूछ ले GST जो होता है सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था, तो लागू हुआ था फ्रांस में। GST की बात करेंगे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स फुल फॉर्म हो जाएगा इसका। GST जो है यह संविधान संशोधन बिल 122 में इसको पेश किया गया था। जब यह पास हो गया तो ये एक्ट बन गया, 101 एक्ट यानी कानून बन गया। तब इम्प्लीमेंट कब हुआ ये? तो 1 जुलाई 2017 में ये भारत में इम्प्लीमेंट हुआ था। GST परिषद जो होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं भारत के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। वर्तमान में कौन है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर? तो वह निर्मला सीतारमण जी हैं। और GST के जो दरें होती हैं कितने परसेंट तक लगाया जाता है? 0% हो सकता है, 5%, 12%, 18% और 28%। और GST को सबसे पहले पारित करने वाला अगर पूछ लिया जाए राज्य कौन बना था, तो वह था असम। इसको भी ध्यान रखें। भारत का जो GST मॉडल है ये कहाँ पे बेस्ड है? तो कनाडा के GST मॉडल पे बेस्ड है। तो ये है आपके GST के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इसको भी ध्यान रखें। T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम कौन बन गई है? तो ये बन गई है नेपाल की टीम। एक ही मैच में ढेर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए नेपाल की टीम ने। और किसको हराया था नेपाल ने? तो मंगोलिया की टीम को हराया था। बात करेंगे इसमें कितने रिकॉर्ड बने,
तो हाईएस्ट T20 टोटल भी बने यहाँ पे 300 से ज़्यादा रन बने इसमें, कितने बने 314 रन बने। बात करेंगे फास्टेस्ट 50 किसने लगाया, तो वो लगाया दीपेंद्र सिंह ने, 10 गेंदों में 52 रन इन्होंने बनाए। फास्टेस्ट सेंचुरी किसने बनाया, तो कुशल मल्ला, ये भी नेपाल के हैं, 34 गेंदों में 100 रन बनाया। और हाईएस्ट विन मार्जिन मतलब कितने डिफरेंस से मैच को जीता गया, ये भी इसी मैच में हाईएस्ट था। अब कितने से था ये, तो 273 रनों से हराए थे मंगोलिया को नेपाल ने। तो ये बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 1 अक्टूबर को। बात करेंगे कॉफ़ी की, तो भारत में इसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन वाला राज्य कौन सा है, तो वो है कर्नाटका। और पूरी दुनिया में अगर पूछेंगे तो ब्राज़ील देश जो है ये नंबर एक पे है कॉफ़ी प्रोडक्शन में। हाल ही में CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है नितिन गुप्ता, आपके सामने है नितिन गुप्ता। CBDT के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हाल ही में UPSC का नया सदस्य किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है डॉक्टर दिनेश दास को। ये हैं आपके सामने डॉक्टर दिनेश दास, और ये हैं जो प्रेजेंट टाइम में UPSC के हेड हैं, कौन है वो, मनोज सोनी हैं। UPSC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया, 30 सितंबर को। हाल ही में BRO के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो ये बने हैं रघु श्रीनिवासन। BRO की बात करेंगे तो फुल फॉर्म हो जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन इसका होता है 7 मई 1960 में। एक बल एक जिला नीति कहाँ पर लागू हुआ है, तो ये मणिपुर में लागू हुआ है। और हाल ही में 2023 चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, जवाब छापिए कमेंट में। हम लोग करते हैं अब कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। 2023 चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला कैटलिन कैरिको को और ड्र्यू बीसमैन को। नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बन गया है, तो ये बन गया है 106 नंबर का। हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है, त्रिपुरा। इसके पहले तीन कौन थे, तो ये तीनों थे। 2023 का सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे मिला, तो मिला है रुई किसियांग झांग को, ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और एशियन गेम 2023 में भारत की स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीत लिया है, तो गोल्ड मेडल। किस देश ने PET46 एंजाइम की खोज की है, तो जर्मनी ने किया है। ऑल इन वन किफायती बीमा कवर बीमा विस्तार को किसने शुरू करने की घोषणा की है, तो IRDAI ने। और हाल ही में किस राज्य ने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बना दिया है, तो उत्तराखंड ने। और हाल ही में डॉक्टर मोहम्मद मुइजू कहाँ के राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं, तो मालदीव के। और हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो KN शांता कुमार को। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।